उस महत्व को नहीं पाता जो एक बिटिया ने अपनी किडनी का दान करके इस देश और मुल्क के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। देश के अरबपतियों और करोड़पतियों जिस धन और दौलत की बारिश होते हो कि अपने माता पिता के लिए त्याग नहीं कर सकते हो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य शुरू है। आपको बता दें कि सिंगापुर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर जो है कुछ दिनों लालू प्रसाद यादव ने ठहरा, आज उनका किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य शुरू है। इसी क्रम में जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, उन्हें अस्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है यह काफ़ी काबिले तारीफ है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहना है राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। एक तो पूरा देश और पूरा बिहार अपने कमजोर गरीब मजदूरों के नेता लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की कामना करता है। डॉक्टर का कौशल और करोड़ों लोगों की दुआ हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वस्थ होकर अपने बीच में पाएंगे। अन्यों से अलग मैं एक ही चीज सोचता हूं कि व्यक्ति जब इंसानियत के साथ लोगों के लिए अपने जीवन को खपाता है तो कैसे पूरी आबादी के दुआ के लिए उसके लिए हाथ उठ जाता है। आज केवल राष्ट्रीय जनता दल परिवार ही नहीं, पूरा कमजोर गरीब और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले संघर्ष के प्रतीक लालू जी को स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और एक दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ जो शायद लोगों को लिए अनुकरणीय होगा। इस मुल्क के दौलतमंद जब कमजोरों को गरीबों के अंग को खरीदते हैं तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए उसकी जिंदगी के सौदे क्यों करते हो अपनी जिंदगी के लिए। और परिवार कैसे एक परिवार अपने पिता के लिए खड़ा है या अन्य परिवार के लोगों के लिए उनके पुत्र पुत्रियों के लिए परिवार को भी सोचना पड़ता है। तो लाखों कार्यकर्ता दान करने के लिए तैयार है लेकिन शायद वह दान उस महत्व को नहीं पाता जो एक बिटिया ने अपनी किडनी का दान करके इस देश और मुल्क के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। देश के अरबपतियों और करोड़पतियों जिस धन और दौलत की बारिश होते हो कि अपने माता पिता के लिए त्याग नहीं कर सकते हो। संयोग से प्रकृति ने हर अंग को दो बनाया है, यदि एक अंग न भी रहे तो एक अंग शरीर के लिए पर्याप्त हो। लेकिन उसे अलग एक अनुकरणीय उदाहरण रोनी ने जो इस देश के सामने रखा है वह कि माता पिता के लिए सर्वस्व दान किया जा सकता है क्योंकि ये सारा शरीर उन्हीं का एक अंग के रूप में विकसित हुआ है। इसलिए लालू जी की शिकायत करने वाले जरा एक बार निगाह उठा के देखो क्यों महान व्यक्तित्व के लिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि इन दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का तबियत नासाज चल रहा था, हालांकि आज उनके किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य चल रहा है। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है इस पर जगदानंद सिंह ने कहा है कि हर बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपने माँ बाप का जो है वो सेवा करें या फिर अपने माँ बाप को किस तरह से ध्यान रखें, यह रोहिणी आचार्य से सीख लेनी चाहिए। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।